हेलो, जय श्री कृष्ण एवरीवन। तो आज हम सबका फेवरेट बर्गर बनाने वाले हैं, जो कि एकदम ही हेल्दी, हाइजीनिक और सबसे ज़्यादा टेस्टी है। क्यों? क्योंकि ये घर पे बना हुआ है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे 4 आलू लिए हैं, उनको बॉईल कर लिया है अच्छे से। और यहाँ पे हमने कुछ सब्जियाँ ली है, जैसे कि कैप्सिकम, टमाटो, ऑनियन, फिर है कैरेट यानी कि गाजर और थोड़ी सी कैबेज। कैबेज के हम पत्ते लेने वाले हैं, इसलिए थोड़े ही पत्ते लेंगे, ज़्यादा पत्ते हम नहीं लेने वाले। और यहाँ पे ना हमने थोड़े से बीन्स लिए हैं, बीन्स को अच्छे से छोटा छोटा कट कर लेंगे। और जो कैबेज है ना, कैबेज का हम क्या करेंगे कि उसके जो स्मूथ सॉफ्ट वाले पत्ते हो वही यूज़ करेंगे, उसके अंदर जो हार्ड पार्ट होता है ना वो हम निकाल देंगे। अब हमने यहाँ पे गैस स्टोव ऑन कर लिया है और उसके अंदर हमने एक छन्नी रख दी है पानी भर के, और उसके अंदर हमने रखा है कैप्सिकम, फिर कैरेट रख दिए है, और थोड़े से जो हमने बीन्स कट किए थे वो भी रख देंगे। और साथ में हमने यहाँ पे मटर होते हैं ना, तो मटर हमने स्टोर किए हुए हैं, वो मटर भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब इन चारों चीज़ों को ना हमें अच्छे से थोड़ा सा ब्लांच करना है, बॉईल करना है। तो 5 मिनट के लिए इन्हें बॉईल होने देंगे, तब तक के लिए ढक के रख देंगे। तो 5 मिनट के बाद ये देखिए कितने अच्छे से हमारे जो सब्जियाँ हैं, 4, 3 हरी और 1 केसरी, सारी बॉईल हो चुकी है। अब इन्हें निकाल देंगे और नीचे रख देंगे, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। और तब तक के लिए क्या करते हैं, हम एक बोल ले लेते हैं, उसके अंदर 3 या 4 चम्मच जितना हम कॉर्नफ्लावर ले लेंगे। अब कॉर्नफ्लावर किस लिए ले लेंगे आपको पता चल ही गया होगा। ऑब्वियसली हम हमारी जो टिक्कियाँ बनाएंगे उसको कोट करने के लिए डाल रहे हैं, तो उसके अंदर ना हमने थोड़ा सा नमक डाल दिया है, क्योंकि ये जो स्लरी है ना वो भी थोड़ी सी तो क्रिस्पी होगी, तो उसके अंदर थोड़ा सा नमकीनपना तो होना चाहिए ना। तो थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया, और ज़रूरत के अनुसार हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। और ये जो हम स्लरी बनाने वाले हैं ना, इसको गाढ़ी रखेंगे बिल्कुल इस तरह से, ज़्यादा पतली नहीं कर देंगे, वरना फिर आगे जो प्रोसेस करने वाला है ना इसके, वो उसके ऊपर चिपकेगा नहीं। और इसके अंदर हमने 2 बड़े चम्मच ऐड किया है मैदा। मैदे से ना हमारा जो आउटर लेयर होगा ना टिक्की का, वो बढ़िया क्रिस्पी बन के रेडी हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे लिए हैं ब्रेड्स, तो 3 ब्रेड्स लिए हैं, और उनको अच्छे से टुकड़ा टुकड़ा करके हम मिक्सचर जार में ले लेंगे। और अब हम इसके क्या बनाने वाले हैं, ब्रेड क्रम्स। यस, तो ये हमारे ब्रेड क्रम्स भी बन के रेडी हो गए हैं। तो 3 ब्रेड से बहुत ही इनफ क्वान्टिटी में ब्रेड क्रम्स रेडी हो जाते हैं, पर जब भी आप ब्रेड लेना तो फ्रेश लेना, ठीक है? ज़्यादा स्टेल होगी ना तो उसके ऊपर क्या है ना, वो फंगाई जम जाती है, तो वो हम नहीं खा सकते ऐसा, ठीक है? अब यहाँ पे जो आलू है ना वो बॉईल किए हुए लिए है, और इसको हमने मैश कर दिया है। इसके अंदर जो हमने ब्लांच करी थी ना सब्जियाँ, वो ऐड कर देंगे। सारी ऐड कर देना, बहुत ही टेस्टी लगेगा। सब्जी वाला होता है ना टिक्की, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। अब इसके अंदर मसाले कर देंगे, हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, चाट मसाला। चाट मसाले से एक मस्त टैंगी बनाता है, तो ज़रूर ऐड लीजिएगा। और फिर यहाँ पे मिर्ची की पेस्ट ऐड करी है, और जो धनिया की चटनी होती है ना, हरी चटनी, वो ऐड कर दी है। कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दी है, थोड़ी सी हींग ऐड कर दी है। अब ये सब कुछ बढ़िया तरीके से हम मिक्स कर देंगे। आप चाहे तो इसके अंदर चीज़ ऐड कर सकते हैं, पर चीज़ से क्या होगा ना, वो मेल्ट हो जाएगी, तो टिक्की जो है ना वो मेल्ट, उसके अंदर मेल्टेड चीज़ ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी, तो इसलिए हमने चीज़ नहीं डाली है। आप चाहे तो डाल सकते हैं। अब इसका इस तरह से बड़ा सा हम टिक्की बना लेंगे, थोड़ा सा मोटा बनाएंगे, क्योंकि बाहर की जो टिक्कियाँ होती है वो तो पतली पतली आती है ना, हम घर पे बना रहे हैं तो ऑब्वियसली हम मोटी बनाएंगे, जिससे कि बर्गर इतना टेस्टी टैम्पटिंग लगेगा ना, आहा मज़ा आ जाएगा। तो हमारी टिक्कियाँ तो रेडी हो गई है, ठीक है? इसी तरह से सारी टिक्की बनाकर रेडी कर देंगे। फिर हमने यहाँ पर गैस को फिर से ऑन कर लिया है, कढ़ाई रख दी ऊपर, और ऑयल ऐड कर दिया है। जब तक ऑयल गर्म होता है तब तक हम टिक्की को मैदे और कॉर्नफ्लोर की स्लरी जो बनाई है ना उसको एक बार मिक्स कर लेना, और फिर उसके अंदर टिक्की को डिप करना, क्योंकि जो कॉर्नफ्लोर होता है ना वो स्लरी के अंदर बैठ जाता है। तो मिक्स करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि वो कॉर्नफ्लोर तो नीचे बैठ गया है, इसलिए मिक्स करके ही डेफिनेटली ऐड करिएगा। और फिर ब्रेड क्रम्स से कोट करके इसे फ्राई करने के लिए डाल दीजिएगा। तो अगर आपकी कढ़ाई बड़ी है तो आप एक साथ 2 भी डाल सकते हैं, और ना हो तो छोटी हो ना तो बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिएगा एक साथ 2 डालने का, क्योंकि फिर ये चिपक जाएगी। और फिर इसे थोड़ा इस तरह से हम
कढ़ाई को हिला लेंगे, जिससे कि क्या होगा कि आजू बाजू से हमारी टिक्की जो है वो अच्छे से पक जाए, फ्राई हो जाए। तो ये हमारी टिक्की जो दोनों तरफ से रेडी हो गई है, इसे निकाल लेंगे और सेम उसी तरह से दूसरी टिक्की भी रेडी कर लेंगे। और यहाँ पर है हमारे साथ बंस। तो बंस हमने घर पे नहीं बनाए हैं, बाहर के हैं। आप चाहे तो घर वाले बंस भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमने इसके ऊपर लगा दिया है केचप और फिर मेयोनीज से जो क्रीमीनेस आती है ना, वो बहुत ही अच्छी लगती है। तो इसका जो मेन इंग्रेडिएंट होता है ना टिक्की के बाद बर्गर का, वो मेयोनीज होता है। और उसके ऊपर हमने लगा लिया है लेट्यूस लीव्स, यानी कि जो हमारे पास कैबेज के पत्ते थे ना वो लगा लिए। लेट्यूस तो है नहीं, तो कैबेज से काम चला लेंगे, क्या बोलते हो। फिर उसके ऊपर टिक्की रख दी, टिक्की के ऊपर चीज़ स्लाइस आपको दो रखने हो तो दो भी रख सकते हो, बहुत ही चीज़ी लगेगा। और उसके ऊपर वेजिटेबल्स रख देंगे, जैसे कि प्याज, फिर टमाटर, इन सबको ना एकदम पतला पतला सा स्लाइस कर लिया है, कैप्सिकम, और फिर ऊपर से थोड़ा सा हमने कैबेज के पत्ते डाल दिए हैं। तो आप देख सकते हो कैबेज के पत्ते ना मैंने पतले पतले से कट किए हैं, जो सॉफ्ट पार्ट होता है ना कैबेज का वही वाले पत्ते यूज़ किए हैं, यानी कि जो हार्ड वाला पत्ता जो होता है ना वो मैंने कट करके तोड़ के फेंक दिया था। अब दूसरा जो ऊपर वाला स्लाइस होता है ना बन का, उसके ऊपर हमने लगा लिया है बर्गर मेयोनीज। तो दैट इज हमारा जो बर्गर है वो रेडी हो चुका है। कितना टेस्टी दिख रहा है ना, ये देखिए। अब सर्व कर लेंगे। तो सर्विंग प्लेट में हमने थोड़ा सा वेजिटेबल से गार्निश कर लिया, केचप रख दिया, दो दो मेयोनीज रखे हैं, सिंपल वाला सादा और बर्गर मेयोनीज। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज की लिंक ना मैंने अपने चैनल पे शेयर कर दी है, यूट्यूब चैनल पे फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा।